हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को मालूम होगा कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट टू सेशन 2019-22 स्पेशल का रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन यहां पर सवाल रहा कि स्नातक पार्ट टू सेशन 19-22 जो भी रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट कब तक जारी होगा, आखिर क्या कुछ कहती है यूनिवर्सिटी। चलिए हम आपको हर बात को क्लियर करके बताते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सही समय पर मिल सके। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट स्नातक पार्ट टू सेशन 2019-22 स्पेशल वाले हैं वो लोग अभी तक अपना मार्कशीट नहीं लिए हैं तो जा करके अपने कॉलेज से मार्कशीट ले लें। आप सभी के कॉलेज में आपका मार्कशीट उपलब्ध हो चुका है और मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि स्नातक पार्ट टू सेशन 19-22 एंड स्पेशल वाले जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे उन सभी का जो रिजल्ट है यूनिवर्सिटी ने रेडी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पहले जो स्टूडेंट स्पेशल वाले थे उन लोगों का रिजल्ट को जारी किया गया, लेकिन जो स्टूडेंट स्नातक पार्ट टू रेगुलर वाले स्टूडेंट थे सेशन 19-22 के उनका अभी भी इसका इंतजार है। फ्रेंड, यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि एक बार सभी रिजल्ट को जारी किया जाए, क्योंकि आप सभी ऐसा देखे होंगे कि जब भी स्पेशल और रेगुलर का रिजल्ट एक बार जारी होता है तो बहुत सारा हंगामा हो जाता है, रिजल्ट जारी करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट इधर से उधर हो जाता है, किसी को अब्सेंट हो किया जाता है तो किसी को कुछ किया जाता है तो किसी को कुछ किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी चाहती है एक बार फिर से बारीकी से इस रिजल्ट को चेक कर दिया जाए। आप सभी देखे होंगे कि पहले स्नातक पार्ट टू स्पेशल वाले रिजल्ट को जारी कर दिया गया है 19-22 का, अब रेगुलर वाले स्टूडेंट का जो रिजल्ट है 10 दिनों के अंदर रिजल्ट को जारी किया जा सकता है जैसा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है। तो आप सभी धैर्य बनाकर रखें। एक और बात यहां पर आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट स्नातक पार्ट टू सेशन 19-22 का एग्जाम दे चुके हैं है कि आप सभी लोग पास जरूर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना होगा, अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट प्रमोटेड भी होता है या वो लोग पास है, 2 मंथ के अंदर आप सभी का पार्ट 3 का एग्जाम भी होने वाला है। आप सभी को मालूम है कि आपका जो सेशन है 19-22 सेशन है, 22 में आप लोगों का पार्ट 3 क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी पार्ट 2 का ही रिजल्ट नहीं आया है। तो आप सभी का जो एग्ज़ाम है पार्ट 3 का 2 महीने के अंदर होने वाला है, तो आप सभी अभी से ही तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पार्ट 3 के एग्ज़ाम में आपको प्रमोटेड नहीं डायरेक्ट फेल किया जाता है अगर किसी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से नंबर कम होता है। तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखकर चलें कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपके पास मात्र 2 मंथ के आसपास ही समय बचा है। अगर इसमें आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो आप सभी को मुश्किल होने वाला है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अभी बीएड का एग्जाम चल रहा है, इसके जस्ट बाद स्नातक पार्ट 1 सेशन 21-24 का एग्जाम होगा, उसके बाद आप सभी का स्नातक पार्ट 3 सेशन 19-22 का एग्जाम होगा। और आपको ये बातें मालूम होना चाहिए कि बीएड के एग्जाम में लगातार सस्पेंड किया जा रहा है, चोरी के आरोप में विद्यार्थियों को कभी 10 किया जा रहा है तो कभी 20 किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोग तैयारी किए रहेंगे तो आप सभी अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएंगे। इस बार जो 18-21 का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था जेपी यूनिवर्सिटी ने, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी लिखते हैं तो आप सभी को उम्मीद है कि अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। तो आप सभी
तैयारी अभी से ही तैयारी में जुट जाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक चाहिए किसी पेपर का तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 80832 88909 पर व्हाट्सएप करें, जहां से आपको मिनिमम से मिनिमम दामों में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।